आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो गार्डन से रिलेटेड नहीं है। हम लोग जनवरी में मकर संक्रांति में गांव गए थे तो ससुराल पक्ष से फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो हमारे ससुराल पक्ष से जो देवता हैं नागराजा भगवान त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, तो वो इस टाइम पे जाते हैं स्नान के लिए मकर संक्रांति में, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग आप सबको पता है। तो हम भी उस पर्व में गए थे तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पूरा वो जब अपने मंदिर से निकलते हैं उसके बाद पूरा जब वो उत्तरकाशी गए स्नान करने, वहाँ की भी कुछ है छोटे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में के फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वापस जब स्नान करके वो अपने मंदिर में आते हैं वहाँ तक की मैंने आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ वीडियो भी, और एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से अभी भी हमारे जो पहाड़ हैं वहाँ पे कैसा कल्चर होता है क्या है सब कुछ आपको उसके माध्यम से दिखाऊंगी। और अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुराने दोस्त हैं वो प्लीज़ वीडियो को फुल लाइक कीजिएगा। तो चलिए भी शुभ मुहूर्त होता है दोस्तों। सुबह के वक्त 15 तारीख हम लोग सुबह सुबह निकले थे 1:30 बजे करीबन घर से, और उसके बाद हम लोग पहुंचे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी नज़दीक पड़ता है चिन्यालीस और से, वहां पे गंगा स्नान किया भगवान ने, सभी लोगों ने किया, और उस दिन जो होता है बहुत ही भीड़ होती है। आप देखेंगे, आप मेरी वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बहुत रश होता है उस दिन। तो वहाँ पे भगवान ने जब स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप देखेंगे कि लोग कितने हर्ष उल्लास के साथ वहाँ पे नाचते गाते जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर।
बताओ जरा क्या बताओ भाई जी। जय हो नागरजा, बहुत बढ़िया रहा, कैसा रहा, मजा आया ना? धन्यवाद रहा। जय हो नागरजा की गाड़ी है। किधर है क्या ले रहा हूँ जी? ले रहा हूँ। और कहा भाई जी? हाँ, कार का ऐसे ही। नमस्ते। दर्शन किए, सब लोगों ने दर्शन किए। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा श्रद्धालु लोग जो होते हैं सब दर्शन करने आए होते हैं वहाँ पे इस दिन पावन पर्व के दिन। तो उसके बाद जब डोलियाँ निकलती है दोस्तों, एक हमारे यहाँ की डोली नहीं आई होती है, सब जगह की, सारे गांव की, सबके अपने अपने देवी देवता लेकर आते हैं सब, और सब एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे मिलते हैं, नाचते गाते हैं, ढोल बजते हैं। तो उसके साथ सारे लोग खुशियों से खुशियां मनाते हुए वापस अपने गांव को, अपने अपनी जगहों को लौटते हैं। उसी तरह हम भी अपने चिन्यालीस और वापस आए, और भगवान जो है नागराजा भगवान, उनको वापस मंदिर में, उन्होंने अपने स्थान में वापस उनको स्थापित किया जाता है, उनको बिठाया जाता है उनके स्थान में। तो इस तरह से ये कुछ जो था एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया दोस्तों। अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करी कि जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकूं कि मकर संक्रांति हमारे गांव में किस तरह से मनाई जाती है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।